नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि, पशुओं के चारे डूबे, किसान हुए बेहाल। गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार तेजी से वृद्धि के कारण बेगूसराय जिले के गंगा के तटवर्ती गांवों में अब धीरे धीरे पानी प्रवेश करने लगा है। पशुओं के चारे एवं फसलें जो दियारे क्षेत्र में लगे थे वह डूब चुका है। किसानों के समक्ष स्वयं से अधिक पशुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यदि पशुओं को चारे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनका जीवित रहना तो मुश्किल है ही, साथ ही पशुपालक किसानों को भी जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बताते चलें कि बेगूसराय जिले के गंगा से सटे गांव चमथा, मधुरापुर दियारा, मधुरापुर बिचला टोल, कुबारी टोल, मधुरापुर सीढ़ी घाट, सिमरिया और उससे आगे के गाँव में भी गंगा के जलस्तर बढ़ने से पानी धीरे धीरे गाँव की ओर बढ़ रहा है। दियारे में लगे फसल के डूबने के कारण पशुओं के चारा की समस्या किसानों के समक्ष आन पड़ी है। किसानों ने सरकार से पशुओं की चारा तत्काल व्यवस्था करने की अपील भी की है। सीढ़ी घाट पर कुछ किसानों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोई भी सरकारी नाव अब तक यहां मुहैया नहीं करवाई गई है, इसके कारण भी आम लोगों को फसल चारा दियारे से लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को तत्काल बाढ़ प्रभावित दियारे के लोगों के प्रति संज्ञान लेना चाहिए। जी बोलिए, क्या समस्या है पानी बढ़ने के कारण? पानी का जल स्तर जो है वो पूरा भर रहा है और गांव की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, और यहां पर जो है पशु का सबसे मेन जो है पशु का चारा का व्यवस्था वो सब डूब गया। सरकार से यही आग्रह करते हैं किसी तरह सरकार अपना चारा का व्यवस्था करे। यह पानी का रफ्तार कब से बढ़ रहा है? पानी का रफ्तार करीब 2-3 दिन से धीरे धीरे बढ़ रहा है और रात से कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अभी पानी गांव की ओर घुस रहा है क्या? हाँ, गांव की ओर पानी देख लीजिए, घुस रहा है, पानी घुस रहा है, इधर से उधर से पानी जा रहा है। तो पशु की चारा के समस्या के अलावे और कौन सी समस्याएं हैं आप लोगों और के समस्याएं जो है सो अगर अभी तो जैसे दियारा हमारा है उधर थोड़ा कीजिए जी जी, तो वो सब जो है सो घास जो चारा है वो सब डूब गया, पहला समस्या पशु को हो गया। और गांव की तरफ ये जो मूव कर रहा है तो आदमी को समस्या होगा खाने पीने का सामग्री। तो फिलहाल अभी चारा का व्यवस्था सरकार से आग्रह करते हैं कि होना चाहिए। और नाव डेंगी जो है ये कुछ आदमी का पर्सनल ये जो देख रहे हैं, सब आदमी तो नाव डेंगी है ना, जो किसी तरह उस पार जाए और घास काट कर लाए। सरकारी नाव जो था वो सब खत्म हो गया, वो सब यहाँ पर एक भी पीस नहीं है।